वेलकम टू माय चैनल टी आ क्लासेस मैं नीति योगी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे आज हम बात करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है इसके पास ट्रेजरी बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन आते हैं सो तो ध्यान दीजिएगा चलो स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है मनी आज बात करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है इसके पास क्या है आज हम बात करेंगे बेसिकली दो ट्रेजरी बिल का और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में पहले मैंने वीडियो में बता चुकी है कॉमर्शियल पेपर के बारे में हम बात कर चुके हैं सो तो अभी आज कवर करेंगे

कब यूज़ किया, किया जाता है ये यूज़ किया जाता है फाइनेंसिंग करंट बिज़नेस ऑपरेशन के लिए जिस फाइनेंस जो करंट बिजनेस ऑपरेशन चाहे होते हैं डेली एक्टिविटीज़ के उसके लिए यूज़ किया जाता है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की उसके लिए यूज़ किया जाता है और बैंकों की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज़ होता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड के लिए भी यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट फंड्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो वो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डील करती है लार्ज अमाउंट को ना कि छोटे छोटे अमाउंट को ये डील करती है लार्ज अमाउंट को एक बल्क मनी इसके उसके पास इकट्ठा हो जाता है और इसमें मनी मार्टी टी बिल्स का मिनिमम है अमाउंट वन लैक और मनी मार्केट एक और इम्पॉर्टेंट जो कि बात है जो कैपिटल मार्केट में यूज़ होता है मैं इसी के साथ कॉरिलेट कर देती हूँ कैपिटल मार्केट में यूज़ होता है सेकेंडरी मार्केट बट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज़ होता है ओनली प्राइमरी मार्केट यूज़ करते हैं इसका कोई सेकेंडरी मार्केट इसमें नहीं होता ये अच्छा पॉइंट एग्जाम में आ सकता है कि क्या मनी मार्केट में हम सेकेंडरी मार्केट यूज़ करते हैं तो नहीं मनी मार्केट सेकेंडरी मार्केट नहीं यूज़ होता मनी मार्केट में ओनली प्राइमरी मार्केट यूज़ होता है और हाँ इसमें स्पेसिफिक कोई लोकेशन स्पेसाइड नहीं होती कोई बैड स्पेसिफिक कोई मार्केट नहीं है इसमें इसकी हम मनी मार्केट का स्पेसिफिक लोकेशन है उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं नहीं जी इसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मल होता है ये सारा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है और ये यूजली फ़ोन के थ्रू किया जाता है बहुत बहुत से ट्रांजेक्शन इसके फ़ोन के थ्रू किए जाते हैं मनी मार्केट लिंक है किसके बीच में लिंक है मनी मार्केट लैंडर एंड बोरोवर फॉर ए शॉर्ट टर्म नीड्स का किसका बीच का लिंक है लैंडर एंड बोरोवर का लिंक है ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए और कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म मचॉरिटी पीरियड होता है जिसका मोर देन वन ईयर के लिए वो कैपिटल मार्केट हम बाद में पढ़ेंगे उसके बाद में अभी बात करते हैं ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल क्या होता है एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इशू करती है टी बिल्स कितने प्रकार के होते हैं टी बिल्स होते हैं है, दो प्रकार के ट्रेजरी बिल्स जिसे बोलते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं ये एक होता है ऑर्डिनरी रेगुलर टी बिल्स इशू करते हैं एक या एडॉक बिल्स इशू करते हैं जो ये ऑर्डीनरी रेगुलटरी बिल्स होते हैं ये सबको इशू कर सकते हैं ये इशू है पब्लिक को अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई भी इवन uh, इंडिविजुअल भी इसको इंडिविजुअल को भी इशू कर सकते हैं और जो ये अडॉक बिल होते हैं ये ऑनली uh, किसके लिए किसके फेवर में इशू करते हैं ओनली आर के लिए दे आर नॉट शोल्ड एंड थ्रो लैंडर और ऑक्शन ये किसी लैंडर और ऑक्शन के लिए बेचे नहीं जाते ये ये सिर्फ इसके टॉप प्रायोरिटी होती है आरबीआई के लिए होता है ये टी बिल आर आल्सो इशूड ये आल्सो इशू कर सकते हैं अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एम के अंडर भी इसको इशू किया जाता है आरबीआई आर किस लिए ये टी बिल्स इशू करती है आरबीआई आरबीआई करती है जो एक्सेस मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसको कम करने के लिए जैसे मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है वैल्यू कम हो रही है चीज़ों की तो मार्केट क्या आर क्या करती है ये टी बिल्स इशू करती थी सो पब्लिक परचेज करेगी और मार्केट स्टेबलाइजेशन हो जाता है और टी बिल्स उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अब बात करेंगे टी बिल्स की ऑब्जेक्टिव होती है गवर्नमेंट बोरोविंग्स होती है ये गवर्नमेंट की और उसके बाद में कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसमें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एनी वन कोई भी इंक्लूडिंग इंडिविजुअल in कोई भी पर्सन इसको परचेज़ कर सकता है इन्वेस्ट कर सकता है इसमें मनी इसका मेचोरिटी पीरियड क्या है ट्रेजरी बिल का मेचोरिटी पीरियड है नाइन्टी वन डेज़ वन एटी टू डेज़ थ्री सिक्सटी फोर डेज़ अब पहले क्या होता था पहले फोर्टीन डेज भी होता था फोर्टीन डेज भी होता था ट्रेजरी बिल का. कि वो क्या बोलते हैं कि मेच्योरिटी पीरियड बट फोर्टीन डेज को फर्स्ट अप्रैल 1997 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया अब इसका नहीं होता अभी है पहले 14 डेज था बट 1997 में इसको डिसकंटिन्यूज कर दिया गया था डिनोमिनेशन अमाउंट कितनी होती है ट्वेंटी अभी इसका पहले का डाटा लिखा हुआ, मैंने अभी क्या हो गया इसका ट्वेंटी फाइव से वन लैख कर दिया इसका मिनिमम अमाउंट तो सो नोट कीजिएगा ये ट्वेंटी फाइव था जब इसका इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में तब का अभी क्या अभी इसका चेंज करके वन लैख कर दिया गया इश्यू रेट कौन सी इशू मतलब तो कौन सी रेट पे इसको इशू करते हैं इशू करते हैं डिस्काउंट रेट और रिडीम करते हैं एट द फेस वैल्यू एट मेचोरिटी रिडीम क्या होता है जिसका मेच्योरिटी पीरियड को बोलते हैं रिडीम नॉन रिडीम जिसका कोई मेचोरिटी पीरियड टाइम फिक्स टाइम, फिक, टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं हो उसको इिडेबल बोलते हैं उसके बाद में हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ तो डिपॉजिट के बारे में ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ तो डिपॉजिट इज़ इट इज़ ए नेगोशियेबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नगोशियेब बिल माय मीन्स इज फ्रीली ट्रांसफरएबल जिसको फ्रीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं गौर किसके द्वारा इशू की जाती है बाय द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है इंडिया में इंट्रोड्यूस कब की गई थी 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू की गई इंडिया में उसके बाद में बात करते हैं किस किस को इशू कर सकते हैं हम कैन बी इशूड बाई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को भी इशू कर सकते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इशू कर सकती है इसको इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है सेवन डेज़ टू वन ईयर फॉर बैंक्स बैंक के लिए इसके देखो दो पहले कॉमर्शियल पेपर में तो ऑनली वन वो होता था वन ईयर का अभी इसमें क्या होता है इसमें दो कैटेगराइज़ कर दिए गए हैं बैंक के लिए सेवन डेज टू वन ईयर है मेच्योरिटी पीरियड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है वन ईयर थ्री वन टू थ्री ईयर होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेच्योरिटी पीरियड इसकी मिनिमम अमाउंट है वन लाख का जो मैंने पहले इसका मिनिमम अमाउंट सेट ओर रखा वन लाख और मैक्सिमम अमाउंट है देयर इज नो स्पेसिफिक मैक्सिमम अमाउंट नहीं है कोई भी इसमें क्या होता है जो जो एक तो इसमें ना शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में जो इशू करते हैं ना उसमें क्या है कि जैसे बोलते हैं इसमें बोला गया है ना इशू कैन बी इशूड बाई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक शड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कौन इशू नहीं कर सकता वो है एक्सक्लूड कर रखा है आर आर बी एंड लोकल एरिया बैंक इसको इशू नहीं कर सकती आर आर बी नहीं कर सकती है वो क्राइटेरिया एक्सेप्शन ना प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा आर आर बी नहीं है और उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारी इशू कर सकती है नो रेटिंग रिक्वायरमेंट सेम एज सी पी वन कोई भी रेटिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें क्या होता था कॉमर्शियल पेपर को ये थोड़ा सा याद दिला दो तो कॉमर्शियल पेपर में क्या होता था एटी ए टू रेटिंग रिक्वायरमेंट होती थी बाई केयर और इन सब के एजेंसी के द्वारा बट इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कोई रेटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है वन लैख है इसका पूरा उसके बाद में हम बात करते हैं कि यही छोटी छोटी चीजें कि मैम मिनिमम मैक्मम अमाउंट क्या होती है सारी चीज़ें यही होती हैं इसकी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और बेसिक बेसिक देखा जाए तो टी बिल्स क्या होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट क्या होते हैं इसकी मेचोरिटी पीरियड याद रखना इसका अमाउंट याद रखना उसके बाद में इसका ड्यूरेशन याद करना टी बिल्स में क्या होता है यूज़रली पूछा जा, जाता है कि टी बिल्स में मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है नाइन्टी डेज़ दे देते हैं एटी डेज़ दे देते हैं थ्री फोर्टी डेज दे दे जाते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना होता है इसका मेच्योरिटी पीरियड टाइम इसका मिनिमम डिनोमेशन भी याद रखना है कौन इशू कर सकती है किस में इशू कर सकती है कौन इशू कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसमें ट्रेजरी बिल में ये याद रखना होता है और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में भी ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है सेम एज अ ट्रेजरी बिल किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये किसने गवर्न ईशू गाइडेंस के थ्रू इशू किया गया था और कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में इसके इसके मेचोरिटी टर्म्स क्या क्या है मिनिमम अमाउंट क्या क्या है ये सारी चीज़ें हैं कवर आई होप ये आपको वीडियो हेल्प किया गया हो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हमारा मोटिव है लर्निंग टूडे एंड लीडिंग टू